नमस्कार, MPCG 24 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज की ताजा खबरों के साथ मैं नाज कुरैशी। आज बात करेंगे बालाघाट के अंतर्गत तहसील खैर लांझी की। झारिया सरपंच ने लॉकडाउन के दौरान 53 दिनों में 15,000 मानव दिवस को रोजगार दिलाने का बनाया रिकॉर्ड। प्रतिदिन 100 मजदूरों को मिल रहा काम। जनपद पंचायत खैर लांझी के अंतर्गत ग्राम पंचायत झारिया के ग्राम प्रधान द्वारा महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के तहत विभिन्न योजनाओं में अधिक से अधिक मजदूरों को काम दिलाने का पूर्णतः प्रयास कर रहे हैं और इन सभी योजनाओं का लाभ दिलाने में काफ़ी हद तक सफल भी हुए हैं। प्रशासन द्वारा ग्राम पंचायतों को कार्य करने की जैसे ही अनुमति प्रदान की गई, झारिया के ग्राम प्रधान गुनाराम बघेले ने पूरी लगन और मेहनत से अपने कार्यों को सफलता तक ले जाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इन 53 दिनों में करवाए गए कार्यों का परिणाम सबके सामने है कि उनकी पंचायत को उत्कृष्ट ग्राम में चयनित किया गया है। कुछ मजदूर ऐसे भी हैं जिन्हें अब तक 5 सप्ताह का रोजगार मिल चुका है। बाहर से आए प्रवासी मजदूरों को भी काम दिया जा रहा है। प्रतिदिन यह 300 मजदूर कार्य कर रहे हैं। ग्राम सरपंच चाहे तो ग्राम की तस्वीर बदल सकती है। कोरोना संक्रमण के चलते ग्राम झारिया सरपंच के द्वारा पूरे ग्राम को सैनिटाइज करवाया गया है। सभी ग्रामवासियों को मास्क बांटा गया है। ग्राम में खेत, तालाब, सिंचाई नाली, मेड़, बधान, नहर, सफाई, सार्वजनिक तालाब कार्य लगातार 24 अप्रैल से प्रगति की ओर है। उनका लक्ष्य ग्राम को सर्व सुविधा युक्त बनाना है जिससे ग्राम का माहौल अच्छा बना रहे। सरपंच जी, ये जो कार्य चल रहा है आपके पंचायत में, तो ये क्या नाम है इस तालाब का? नेहरा तालाब विस्तारी का। कितने मजदूर काम कर रहे हैं? लगभग 150 करीब। तो ये यहाँ जैसे अभी 150 मजदूर हैं, तो प्रवासी मजदूर भी इसमें शामिल हैं? हाँ जी, प्रवासी। कितने मजदूर होंगे प्रवासी यहाँ पर? 30-35 मजदूर। सभी को काम दिया जा रहा है? कितने रेशों में काम हो रहा है? 60-40 काम हो रहा है वो? हाँ, काम हो रहा है, काम हो रहा है। और ये अभी कोरोना जैसी जो महामारी बीमारी फैली हुई है, इसके चलते क्या सुविधा की गई है आपके द्वारा? हम लोगों ने मास्क का वितरण किया है, सैनिटाइजर, फर्स्ट एड किट जो होती है हमारे पास रखी हुई है। यहाँ पर कोई दुर्घटना हो जाए, किसी को चोट आ जाए, तो उसके लिए हमने व्यवस्था रखा है। पानी की व्यवस्था है। उसके बाद हम लोग जो पर्सनल केयर भी कर रहे हैं, उसके लिए हमने एक आदमी और रखा है। चोट आ जाए या किसी को तबियत खराब हो जाए तो उसका वो ध्यान रखें। सरपंच जी, अभी एक बात अपने को पता चली थी कि जो 4 पंचायत चयनित की गई थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए, उसमें आपकी ग्राम पंचायत का भी नाम था, तो क्या हुआ उस वीडियो कॉन्फ्रेंस में? हम लोग गए थे, लेकिन वहाँ पर जब हम बैठे तो वहाँ नेटवर्क ही नहीं था, तो हमारी ऐसी कोई बात नहीं हो पाई वहाँ, कुछ भी नहीं, यानी कॉन्फ्रेंसिंग हो नहीं पाई। नहीं नहीं। और जैसे जिसके लिए आपको मतलब वहाँ चुना गया था जी, तो ऐसे क्या क्या कार्य हुए आपके ग्राम पंचायत में जिसके लिए आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में चुना गया था? उत्कृष्ट पंचायत करके था, जहाँ पर जैसे हमने सामाजिक भी अच्छे कार्य किए, धार्मिक लेवल पे भी क्या हुआ है। जो कोरोना महामारी आई थी उसमें हमने बगैर सरकार के मदद के, हमसे जो हो सका वो हमने लोगों की जो अति गरीब थे उनको मदद की थी, राशन वासन से लेकर सब चीज़, किसी को यदि कुछ पैसे की जरूरत होती भी हमने किया हुआ था। तो वो मैसेज कहीं ना कहीं गया, तो शायद उस बेस पर आओगा। उसके अलावा हमने हर साल, अब जब से मैं सरपंच बना हूँ, यदि कोई काम पे नहीं चाहता है तो अलग बात है, लेकिन जो भी काम पे आया है उनके सारे के हमने दिन भरे हुए हैं काम को देकर। इतने इतना फुल रोजगार दिया हुआ है। गांव में स्ट्रक्चर के भी सारे बहुत सारे काम हुए हैं, और मेरे ख्याल से ये फर्स्ट टाइम इस पंचायत में इतना सारा लगातार 5 वर्षों से काम हुआ है, तो ये शायद उन्होंने ये सब चेक की होगी, उसके हिसाब से चयनित किया। और अभी भी जब से ये लॉकडाउन खुला था, लगातार हम सभी लोगों को, हर घर के परिवार के लोगों को काम दे रहे हैं। वर्तमान में कितने जगहों पर काम चल रहा है? अभी वर्तमान में 2 तालाब है हमारे पास, एक नहला तालाब जो अभी चल रहा है, उसके अलावा फिर एक संकटा की तालाब है, और नहर का जो साफ सफाई वाला जो कार्य है वो चल रहा है। उसके पहले खेत, तालाब, मेड़ बनाने, ये सब कार्य है। क्या नाम है आपका? मूलचंद बिल्डर। ये क्या है आप ग्राम पंचायत में? मेट हो। तो ये जो काम चल रहा है, ये कौन सा तालाब, क्या नाम है इसका? कितने मजदूर काम कर रहे हैं? 146। और
क्या सुविधा की गई है आपके द्वारा यहाँ मजदूरों के लिए? हम लोगों ने सबसे पहले मस्त बातें बातें पानी की व्यवस्था मास्क है और अपना सामान लेके आप पानी पीने के लिए अपने घर से पानी पीने के लिए और नहीं होते हमने भी रखे अपने तरफ से पानी कि ज़्यादा